Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक बैंकिंग में। IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो जो कैंडिडेट्स IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे थे और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार खत्म हुआ है। IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अब से कुछ दिन पहले ही IBPS ने जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं उसके रिक्रूटमेंट को लेकर एक शॉर्ट नोटिस रिलीज किया था और अब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया है IBPS ने। तो आइए आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो IBPS ने रिलीज किया है। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो IBPS ने रिलीज किया है। तो देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, पहले उसकी बात करते हैं। तो इसमें 6 पोस्ट है। पहले आपकी है IT ऑफिसर, दूसरी आपकी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, फिर आपकी राजभाषा अधिकारी, चौथी आपकी लॉ ऑफिसर, पांचवी है HR पर्सनल ऑफिसर और छठवीं पोस्ट है आपकी मार्केटिंग ऑफिसर। तो ये आपकी पोस्ट है, ये सभी स्केल 1 की पोस्ट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 2 नवंबर 2020 से 23 नवंबर 2020 के बीच में कंडक्ट होंगे, यानी 2 नवंबर से 23 नवंबर 2020 के बीच में आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। लास्ट डेट जो है फी पेमेंट की, ऑनलाइन फी पेमेंट की, वो है आपकी 2 नवंबर से 23 नवंबर 2020। प्रीलिम्स का जो आपका कॉल लेटर है वो दिसंबर 2020 में रिलीज होगा। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है प्रीलिम्स का वो 26 दिसंबर और 27 दिसंबर 2020 को कंडक्ट होगा। फिर आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जनवरी 2021 में आएगा। मेन एग्जाम के लिए जो आपके एडमिट कार्ड है वो जनवरी 2021 में रिलीज होंगे और आपका जो मेन एग्जामिनेशन है वो 24 जनवरी 2021 को कंडक्ट होगा। मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट फरवरी 2021 में आएगा और उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है वो फरवरी 2021 में रिलीज होंगे। इंटरव्यू भी आपके फरवरी 2021 में ही होंगे और आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका अप्रैल 2021 में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई। अब हम बात करते हैं एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर एज लिमिट की बात की जाए तो देखिए आपकी जो एज है वो 1 नवंबर 2020 को 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए, यानी आपकी मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए 1 नवंबर 2020 को। यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 नवंबर 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 नवंबर 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 30 इयर्स यहां पर रखी गई है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट है वो है 23 नवंबर 2020, यानी 23 नवंबर 2020 को जो आपकी एजुकेशन होगी वही आपकी फाइनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, 23 नवंबर 2020। तो पहली पोस्ट है आईटी ऑफिसर। तो इसमें देखिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आपके पास ये 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो स्ट्रीम्स दी हुई है उनमें से किसी में, या फिर आप ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOE ACCB लेवल। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी आईटी ऑफिसर के लिए। अगला है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉपरेशन, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्री फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर सेरिकल्चर में। 4 साल की यहाँ पर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अगली पोस्ट है राजभाषा अधिकारी। तो इसमें क्या है, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री, यानी ग्रेजुएशन लेवल, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। उसका लॉ ऑफिसर में क्या है, आपके पास LLB यानी लॉ की डिग्री होनी चाहिए बैचलर और आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट होने चाहिए।
अगली पोस्ट है एचआर पर्सनल ऑफिसर। इसमें क्या है, ग्रेजुएट एंड टू ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और टू ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर एचआर एचआरडी सोशल वर्क या फिर लेबर लॉ। अगला है मार्केटिंग ऑफिसर, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए एंड टू ईयर फुल टाइम एमएमएस मार्केटिंग या फिर टू ईयर फुल टाइम एमबीबीए एमबीए या फिर टू ईयर फुल टाइम पीजी डीबीए या पीजी डीबीएम या फिर पीजी डीएम या फिर पीजी टीएम विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हर पोस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग रहने वाली है। और जो आपका एज में रिलैक्सेशन है वो इस तरह से रहेगा, अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आपके एज में रिलैक्सेशन है जो आप चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस है, यहाँ पर वो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको रिलेशन मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पैटर्न की। तो देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग पोस्ट के अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। तो देखिए प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए वो इस तरह से है। इसमें देखिए आपके 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 नंबर के होंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क्स के, और हर सेक्शन के लिए आपको 40-40 मिनट्स दिए जाएंगे, यहाँ पर सेक्शनल टाइम होगी। उसके बाद देखिए आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर का जो देखिए आपका एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स का वो इस तरह से है। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 125 नंबर के, और यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग आपकी रहने वाली है, 40 मिनट आपको हर सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। तो देखिए मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो आपके यहाँ मेन एग्जाम है उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे प्रोफेशनल लैंग्वेज के, जो कि 60 नंबर के होंगे, और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। राजभाषा अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपका पहले प्रोफेशनल लैंग्वेज एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद प्रोफेशनल लैंग्वेज के 2 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे, यानी 45 ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे। टोटल 60 नंबर का पेपर होगा, 30-30 मिनट की यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलेगी। उसके बाद आपका प्रीलिम्स और मेंस के बाद देखिए आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कंडक्ट होगा, तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम हो गया। इंटरव्यू के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पर आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे उसकी यहाँ पर लिस्ट हुई है, तो आप ऑफिशियल नोटिस में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं बाकी डिटेल्स की, यहाँ पर क्या दिया है। ये देखिए यहाँ पर COVID-19 कोरोना वायरस को देखते हुए यहाँ पर जो आइटम है वेन्यू पर ले जाने के लिए परमिटेड है उनकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। मास्क लगाना कंपलसरी है, उसके साथ साथ आप चाहें तो ग्लव्स लेके जा सकते हैं, पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हैं, 50 ml हैंड सैनिटाइजर, एक सिंपल पेन, और जो आपके एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जाम एडमिट कार्ड रिलेटेड वो आपको लेके जाने हैं। ये यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, और बाकी भी यहाँ पर डिटेल है कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जैसे कि COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से अभी जो तक जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें जो रजिस्ट्रेशन है वो फोटो कैप्चर के जरिए हुआ है, तो कैंडिडेट की फोटो कैप्चर के जरिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए ₹175 की एप्लीकेशन फीस है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और ₹850 की एप्लीकेशन फीस है बाकी सभी कैटेगरीज के लिए। तो 175 से 850 के बीच में यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं कि वैकेंसी का यहाँ पर क्या काउंट है किस पोस्ट के लिए, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये वैकेंसी काउंट है आईटी ऑफिसर स्केल 1 की, हम वैकेंसी पहले चेक करते हैं। तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 में बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी अभी नॉट रिपोर्टेड है, बैंक ऑफ इंडिया में 20 वैकेंसीज हैं टोटल, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई वैकेंसी नहीं है, इंडिया बैंक ने अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है,
इंडियन ओवरसीज बैंक में कोई वैकेंसीज नहीं है और पंजाब नेशनल बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है, पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है, यूको बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज हैं, तो आईटी ऑफिसर की सिर्फ 20 वैकेंसीज है यहाँ पर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया में 45 वैकेंसीज है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी नहीं है, कैनरा बैंक में 290 वैकेंसीज है, उसके बाद यूको बैंक में 150 वैकेंसीज है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस तरह से टोटल 485 वैकेंसीज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। उसके बाद राजभाषा अधिकारी की हम बात करते हैं, राजभाषा अधिकारी की अगर हम बात करें तो यहां पर बैंक ऑफ इंडिया में 5 वैकेंसीज हैं, यूको बैंक में 10 वैकेंसीज हैं और कैनरा बैंक में 10 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल 25 वैकेंसीज है राजभाषा अधिकारी की। अगला है लॉ ऑफिसर, तो लॉ ऑफिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं करी है, बैंक ऑफ इंडिया में 5 वैकेंसीज है, कैनरा बैंक में 10 वैकेंसीज है, यूको बैंक में 35 वैकेंसीज है और इस तरह से टोटल 50 वैकेंसीज है। अगला है आईटी पर्सनल ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, तो इसमें बैंक ऑफ इंडिया में 7 वैकेंसीज हैं और टोटल भी यहाँ पर 7 ही वैकेंसीज हैं, बाकी बैंक ऑफ वैकेंसीज नहीं है और इंडिया बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है। अगला है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, तो इसमें देखिए बैंक ऑफ इंडिया में 50 वैकेंसीज है और कैनरा बैंक में 10 वैकेंसीज है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अभी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी है, तो टोटल 60 वैकेंसीज है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की। और बाकी ये देखिए एग्जाम सेंटर है और यहाँ पर जो फॉर्म्स है उसके प्रोफार्मा दी हुई है, आपको कैसे अप्लाई करना है वो सारी डिटेल्स दी हुई है, तो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी है, वैकेंसी काउंट मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 23 नवंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो 2 नवंबर 2020 से आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 23 नवंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो वो आपका 26 दिसंबर और 27 दिसंबर 2020 को कंडक्ट होगा। तो ये था आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करें, उससे पहले टेस्ट बुक आप लिए कुछ लेकर आया है तो आपको बताना चाहते हैं, टेस्ट बुक आप लेकर आया है मेगा सेल 24 आवर्स ओनली, यहाँ पर आपको ईयरली टेस्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹299 में, जिसमें आपको मिलेंगे 100+ courses, 6,500+ tests और ये ऑफर आज रात खत्म हो रहा है, ऑफर एंड्स टुनाइट, यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं ₹299 में ईयरली टेस्ट बुक पास। तो ये था ईयरली टेस्ट बुक पास ₹299 में और आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, 2 नवंबर से 23 नवंबर तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेस्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।